अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। जितने स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन है, इन तमाम की जो अटेंडेंस है वो हो चुकी है। मैं अटेंडेंस एक दफ़ा शेयर कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई वो स्टूडेंट जो है वो बोल सकता है। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मैं लगा चुका हूँ, आप एक दफ़ा इसको व्यू कर लें। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही बोलें। क्या नाम है? बाकी तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो चुकी है। और जो स्टूडेंट इस वक्त आपको हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर कल अटेम्प्ट किया था। अब इसके बाद किसी भी स्टूडेंट का मिड टाइम पेपर जो है वो मैं नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट फाइनल टर्म पेपर में ही ये स्टूडेंट पहुंचेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट हाईलाइटेड हैं इन्हीं स्टूडेंट्स ने कल मिड टर्म जो है वो अटेम्प्ट किया था। तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। कोशिश है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो लेक्चर की स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। जी, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? ओके जी, हम लोग लास्ट टाइम बिफोर मिड टर्म जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक में, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस के लिहाज से कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को, कुछ टेक्निक्स को जो है वो स्टडी किया था। आज इसी डेटाबेस को जो है मज़ीद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट, द डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटी इंक्लूड डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एंड वेरीफिकेशन, स्टोरेज, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा इसकी रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर जो है वो भी डिस्कस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जी, डाटा इंटीग्रिटी, द नेसेसरी डाटा इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑन फॉर्म कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज इनपुट टू द सिस्टम। यानी वो डेटा जो कि आप प्रॉपर तरीके से अपने पास रिकॉर्डेड फॉर्म में या से डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेव करते हो, वो बेसिकली आपका सिस्टम के अंदर एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, डाटा डिस्क्राइबिंग अ सेल इज एंटर्ड ऑन अ सेल्स ऑर्डर फॉर्म। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कुछ सेल ऑर्डर आया तो वो कंप्यूटर के अंदर एज ए सेल ऑर्डर फॉर्म के ऊपर जो है वो फिल होगा। इंटीग्रिटी एंड वेरिफिकेशन, द डाटा इज एक्सपैंड टू अश्योर इट्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब कंस्ट्रेंट एंड रूल्स। यानी कुछ जो रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ कंस्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की है, फॉरेन की है, सुपर की है, ये कुछ रूल्स के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपका डेटा जो है वो वेरीफाई होगा। स्टोरेज, अब स्टोरेज के लिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, कोई भी डिवाइस जो है वो मैग्नेट टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हो, यूएसबी का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस लेवल पे आपने डेटाबेस को सेव करना है, अपने डेटे को सेव करना है, वो लेवल आप इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, उस डिवाइस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो स्टोरेज डिवाइस कोई सी भी हो सकती है। मेंटेनेंस, न्यू डेटा इज एडेड, एग्जिस्टिंग डेटा इज चेंज एंड डेटा नो लॉन्गर नीड टू डिलीटेड फॉर कीपिंग एंड डेटा रिसोर्स करंट। वो कहता है कि डेटा की मेंटेनेंस इसलिए हासिल है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क फिल हो गई है तो आप अपना डेटा जो निकाल के किसी और एक्सटर्नल हार्ड में रख लें या मैग्नेट टेप में रख लें, लेकिन आपका डेटा जो है वो मजीद डेटाबेस में जो है वो ऐड होता रहेगा और इस तरह से आप डेटा की मेंटेनेंस जो है वो करते रहेंगे। यानी डेटा जैसे फिल हो गया, नई हार्ड डिस्क पर चला गया, अब डेटा डिलीट नहीं हुआ, बेसिकली वही डेटा जो है वो आपका बार बार जो है वो शिफ्ट हो रहा है और डेटा जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है वो सेफ होता जा रहा है। सिक्योरिटी, द डाटा इज सेफ गार्डेड टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, डैमेज और मिस यूज। यानी कि डाटे का प्रॉपर तरीके से सेव किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको जो है सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, ताकि डाटा जो है वो अनऑथराइज पर्सन को जो है वो ना मिले और वो डाटा जो है वो आपका डिस्ट्रॉय ना हो सके। ऑर्गेनाइजेशन, द डाटा इज अरेंज इन सच अ वे टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड टू द
यूजर, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है कि एक पूरे डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने का नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है. रिट्रीवल द डेटा इज मेड अवेलेबल टू द यूजर. डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के लिए ही बनाया जाए. अब है जिसके मेन कंपोनेंट के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें DDS है, DDL है और DML है. सबसे पहले है जी डेटा डिक्शनरी सिस्टम DDS. अ डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल और सेट ऑफ फाइल्स दैट कंटेन अ डेटाबेसेस मेटा डेटा. वो कहता है कि डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या है, असल में अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम एक फील्ड को टोटली ब्रेकअप कर देते हैं. मिसाल के तौर पे मैं एक लेता हूं जी स्टूडेंट नेम. अब स्टूडेंट नेम का जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे वो STU नेम बना देंगे. अब उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो वारचर है. उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 30 है. उसकी उसके ऊपर कोई रूल फॉलो करता है, अगर कोई तो रूल फॉलो करता है नॉट नल का तो हम लगा देंगे, अदरवाइज उसको नल कर देंगे. तो इस तरह के मुख्तलिफ यानी एक एक फील्ड को जो आपकी डेटा बेस में इस्तेमाल हो रही है उन तमाम डेटा फील्ड्स को हम लोग मेटा डेटा के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. द डेटा डिक्शनरी कंटेन रिकॉर्ड अबाउट अदर ऑब्जेक्ट इन द डेटा बेस सच एज डेटा ऑनरशिप, डेटा रिलेशनशिप एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. यही जो मैंने तीन चार प्रॉपर्टीज इसकी बताई वही चीज है कि डेटा किस से लिंक करता है, इसका रिलेशनशिप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से ये डेटा जो है वो आपके सिस्टम में स्टोर होगा. डेटा डिक्शनरी इज अ कर्नल कंपोनेंट ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस. हर रिलेशनल डेटाबेस का डेटा डिक्शनरी जो है वो एक अहम कंपोनेंट है. हम अपनी डेटाबेस को फाइनलाइज करने से पहले उसको डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे डेटाबेस डिजाइन के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है. बिकॉज इफ इट्स इंपॉर्टेंस इट इज इनविजिबल टू मोस्ट डेटाबेस यूजर, टिपिकली ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्ट विद द डेटा डिक्शनरी. बेसिकली तो यूजर जो है उसको इस चीज का नहीं पता होता, वो इससे उसकी वर्किंग नहीं हो रही होती, लेकिन जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको इन चीजों का पता होता है और वो बैकएंड पे आसानी जो है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो वर्किंग अपनी कर रहा होता है. नेक्स्ट है जी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL. द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट. वो कहता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बनाई ही इसलिए जाती है कि हम डेटा को डिस्ट्रॉय कर सके और डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट है वो नई उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. यानी इसमें हमारे पास क्रिएट है, आल्टर है, ड्रॉप है और भी मुख्तलिफ तरह की कमांड्स हैं जो कि हम ओरेकल को SQL स्टेटमेंट के अंदर जो है वो राइट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं. द डेटा दीज कमांड विल प्राइमरली बी यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द सेटअप एंड रिमूवल फेज ऑफ द डेटाबेस प्रोजेक्ट. ये उस वक्त डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको इस्तेमाल करता है, चाहे वो डेटाबेस को क्रिएट करे, चाहे वो डेटाबेस को डिलीट करे, चाहे वो डेटा के ऑब्जेक्ट बना सके, चाहे वो डेटा के ऑब्जेक्ट ना बनाए. तो उस कंडीशन में इन जो कमांड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. DDL स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई एंड रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्स एंड यूजर्स. यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके यूजर भी क्रिएट कर सकता है, डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता है, टेबल भी क्रिएट कर सकता है, उनकी इंडेक्स भी क्रिएट कर सकता है, व्यू भी क्रिएट कर सकता है. अब वो डेटाबेस को मॉडिफाई भी कर सकता है, वो डेटाबेस के अंदर जो है मोस्टली टाइम जो है उनको क्रिएट भी कर सकता है. कॉमन DL स्टेटमेंट इज क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप जो है वो कमांड जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है जी हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML. ये भी SQL का हिस्सा है, ये भी हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर जो है इसको भी इस्तेमाल करते हैं. इसकी भी कमांड जो है हम ओरेकल के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर या SQL सर्वर के अंदर जो है या MySQL के अंदर या SQLite के अंदर क्यूरी की फॉर्म में जो है मुख्तलिफ तरह की कमांड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड मॉडिफाई डेटा बेस इंफॉर्मेशन. वो कहता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं और मॉडिफाई करते हैं डेटाबेसिस के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर. दी कमांड विल बी यूज्ड बाय ऑल डेटाबेस यूजर ड्यूरिंग द रूटीन ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस. अब ये वो कमांड्स हैं जो कि जितने भी यूजर्स हैं डेटाबेस के, चाहे वो एक है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 15 है, तमाम के तमाम यूजर जो है वो इन डेटाबेस की इन कमांड्स का जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं. द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड मॉडिफाई डेटाबेस इंफॉर्मेशन. वो कहता है कि डेटाबेस जो यूजर है वो इसकी रिट्रीव की, इंसर्ट की, मॉडिफाई की,
डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर जो है वो क्यूरी लगाता है और उससे अपने डाटा के साथ मैनिपुलेशन करता है या डाटा के साथ जो है वो खेलता है। दीज कमांड विल बी यूज्ड बाय ऑल डेटाबेस ड्यूरिंग द रूटीन ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस। जब हम नॉर्मल तौर पे वर्क करते हैं या नॉर्मल तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं डेटाबेसिस के अंदर, उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटे को, उसमें हम डेटे को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें हम डेटे की सिलेक्शन कर रहे हैं, डेटे की रिट्रीव कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, इस तरह की मोस्टली लेवल पे जितनी भी कमांड है वो हम DML के अंदर जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे वाली जितनी भी तीनों टाइप्स हैं वो आपके स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। अब आपकी मर्जी आप एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी आप MySQL इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी ओरेकल इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी SQLite इस्तेमाल, यानी कोई भी डेटाबेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन डेटाबेस के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है ये लाजमी जो है वो आपका इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डाटा मैनिपुलेशन। वो कहता है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली मेन कंपोनेंट है, मेन रिलेशनशिप है, मेन डेटाबेस है जो कि आपके डेटे को रिलेशनशिप के अंदर और मैनिपुलेशन के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL इज यूज्ड टू क्यूरी इंसर्ट अपडेट मॉडिफाई डेटा। वो कहता है कि SQL के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं जिसमें हम डेटे को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटे को अपडेट कर सकते हैं, डेटे को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटे को डिलीट कर सकते हैं, तो ये सारे SQL की स्टेटमेंट्स हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट है, वेयर की क्लाज है, इसी तरह से और भी आपकी दो तीन क्लाज हैं जो कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए आपकी डेटाबेस के अंदर जो है उसकी वर्किंग जो है वो करते हैं। मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट SQL विच इज एन एडेड बेनिफिट फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA एज दे आर ऑफन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट डेटाबेस अक्रॉस सेवरल डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, मैंने जैसे कि आपको बताया SQL सर्वर है, MySQL है, SQLite है, पैराडॉक्स है, गुप्ता है, Oracle है, पावर बिल्डर है, डिवेल्पर है, यानी कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, उन तमाम प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो लाजमी इस्तेमाल होगा। फर्स्ट डिवेल्प इन अर्ली 1970s एट IBM बाय रॉयमोंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन SQL वाज कमर्शियली रिलीज बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि इन दोनों ने 1970 के अंदर ये जो आपके साइंसदान है इन दोनों ने इसको बनाया, लेकिन ये रिलेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसको प्रॉपर तरीके से Oracle कंपनी बाद में जो Oracle कॉर्पोरेशन बन गई, पहला जो उसका पुराना नेम है वो रिलेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी था, बाद में इसको चेंज करके Oracle कॉर्पोरेशन बना दिया इन 1979 के अंदर। द करंट स्टैंडर्ड SQL वर्जन इज वॉलेंट्री वेंडर कंप्लेंट एंड मेंशन बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। वो कहता है कि इसके जो भी वर्जन है, एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी जब आप Oracle करते हो बाय डिफॉल्ट से स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज उसमें मौजूद होती है, आप डायरेक्ट Oracle इंस्टॉल करके SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके अपनी मर्जी से जो है वो क्यूरी स्टेटमेंट जो है वो देना शुरू कर देते हो। मोस्ट मेजर वेंडर्स आर सो हाई प्रायोरिटी, जिसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो प्रॉपर तरीके से एक लेबल लगा के एक स्टैंडर्डाइजेशन बना के जो है वो आपके सामने जो डिस्प्ले के अंदर क्या क्या है, SQL प्लस है जो कि Oracle का है, ट्रांसजेक्ट SQL है, TSQL है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL है, ASCII SQL है, तो ये मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल्स के अंदर दो तीन तरह की टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेटवर्क मॉडल है, हायरार्की मॉडल है और रिलेशनल मॉडल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ये डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग डेटा एलिमेंट इन डेटाबेस। वो कहता है कि डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप को बनाना, डेटा को रिप्रेजेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके तमाम मेथड्स को एक ही जगह पे लॉजिकली तौर पे इकट्ठा करना, ये हमारा डेटाबेस मॉडल्स है। पॉपुलर डेटाबेस मॉडल हायरार्की, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले ये हायरार्की डेटाबेस मॉडल। द हायरार्की डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री स्ट्रक्चर। वो कहता है कि अगर हायरार्की डेटाबेस की हम बात करें तो एक ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज का हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड डेटा सेगमेंट, यानी इसमें चाइल्ड एंड पेरेंट के तौर पे जो है वो डेटा जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर इंप्लाइज द रिकॉर्ड
कैन हैव रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन जर्नली इन द चाइल्ड डाटा सेगमेंट। अगर वो कहता है कि डाटे को रिपीट करना है, रिकॉर्ड को रिपीट करना है, तो वो चाइल्ड सेगमेंट के अंदर जो है वो रिपीट होगा, पेरेंट के अंदर वो रिपीट नहीं होगा। पेरेंट के अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, चाइल्ड के अंदर आप चाहे उसको जितनी मर्जी मरतबा जो है वो रिपीट कर सकते हैं। डाटा इन अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड विच हैव अ सेट ऑफ फील्ड वैल्यू अटैच टू इट। उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसलिए चाइल्ड टेबल्स के अंदर जो है वो डाटा हमें मल्टी टाइम मिल जाता है, लेकिन जो पेरेंट टेबल होता है उसमें हमें सिंगल वैल्यू में एक ही वैल्यू जो जिसको अगर असाइन हो गई है वही डाटा जो है वो हमें मिलता है। इट कलेक्ट ऑल द इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड टूगेदर एज अ रिकॉर्ड टाइप। द रिकॉर्ड टाइप आर द इक्विवेलेंट ऑफ टेबल इन द रिलेशनल मॉडल एंड विद the individual record being the equivalent of the row। जैसे कि एक row जो है वो एक related, मैंने आपको पहले बताया था कि related field जो होंगे एक दूसरे के साथ वो basically हमारी एक row कहलाएगी, और वही row जो है basically हमारा एक record जो है वो कहलाएगा। अब वो record जो है वो जब एक table के अंदर होगा तो वो हमारा जो है वो database जो है वो कहलाएगा। To create links between these record the hierarchical model used पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। वो कहता है कि यही वजह है कि जो आपका रिलेशनल मॉडल है उस रिलेशनल मॉडल के अंदर हम इसको पेरेंट चाइल्ड मॉडल जो है वो डिस्कस करते हैं या कहते हैं। देयर आर वन टू एन मैपिंग बिटवीन रिकॉर्ड टाइप, दिस इज डन बाय यूजिंग ट्री। वो कहता है कि इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप का होता है, इसलिए जो है इसको हम ट्री फॉर्म की जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन माइट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय सच एज नेम एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट सैलरी। द ऑर्गेनाइजेशन माइट ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय इन चाइल्ड सच एज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। द एम्प्लॉय एंड चाइल्ड डेटा फॉर्म आर हायरार्की विच आर एम्प्लॉय डेटा रिप्रेजेंट पेरेंट सेगमेंट एंड द चिल्ड्रन डेटा रिप्रेजेंट द चाइल्ड सेगमेंट। वो कहता है कि दो इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स बना दी जाएंगी, उन टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह का डेटा रखा जाएगा, लेकिन जब हमें व्यू हो रहा होगा पेरेंट और चाइल्ड से तो वो वन टू मैनी की फॉर्म में व्यू हो रहा होगा। एक तरफ मल्टीपल डेटा होगा, एक तरफ सिंगल डेटा होगा, और उस तरह से हम अपने हायरार्कियल लेवल पे डेटा को जो है वो चेक कर रहे होंगे। इफ एन एम्प्लॉय हैज थ्री चिल्ड्रन there would be the three child segment associated with employee segment in a hierarchical database, the parent child relationship is one too many, the restrict a child segment to have only one parent segment। वो कहता है कि एक वक्त में child multiple हो सकते हैं लेकिन वो अपने parent पे एक ही table को जो है वो access कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक hierarchical model की diagram जो है जैसे वो आपको नजर आ रही है। Next है जी network। The popularity of network model coincide with the popularity of the hierarchical data model। वो कहता है कि network model इसलिए आजकल ज्यादा कामयाब हो रहा है क्योंकि इसके अंदर hierarchical model की ही जो popularity है वो बहुत ज्यादा है। Some data were naturally modeled with more than one parent पर चाइल्ड। बात करती होता है कि एक कुछ डाटा ऐसा होता है जिसके चाइल्ड भी ज्यादा है और उसके पेरेंट भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्योंकि हमारे पास नेटवर्क मॉडल और प्लस आरके मॉडल दोनों मर्ज मॉडल होते हैं, दोनों मर्ज मॉडल्स जो है एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं और उन दोनों मॉडल्स के अंदर जो है वो हमारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। सो द नेटवर्क मॉडल परमिट द मॉडलिंग ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन द डेटा। जी, इन 1971 द कॉन्फ्रेंस ऑन डेटाबेस लैंग्वेज कोडल्स फॉर्मली डिफाइंड द नेटवर्क मॉडल। यानी कि 1971 के अंदर जब वहां पे फाइनलाइज की गई तो ये नेटवर्क मॉडल जो है वो फाइनलाइज करके जो है वो उसकी एक मॉडल बना के जो है वो डेटाबेस के अंदर शामिल कर दिया। बेसिक डेटा मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट इन द नेटवर्क मॉडल इज द सेट कंस्ट्रक्ट। वो कहता है कि बेसिक नेटवर्क मॉडल जो है वो आपके डेटा नेटवर्क मॉडल को जो है प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट है। सेट ऑफ सीरीज एंड ऑन अ रिकॉर्ड टाइप अ सेट नेम नंबर एंड रिकॉर्ड टाइप। वो कहता है कि इसमें क्या है कि आप एक नेटवर्क मॉडल के अंदर अपना पूरे रिकॉर्ड्स को बाय नेम बाय मेंबर बाय रिकॉर्ड बाय आईडी जो है वो कवर करके जो है अपना नेटवर्क मॉडल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अ मेंबर रिकॉर्ड कैन टाइप कैन हैव द डैट रूल इन मोर देन वन सेट हंस द मल्टी पेरेंट कॉन्सेप्ट इज सपोर्टेड एंड ऑनर रिकॉर्ड टाइप कैन ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑनर इन द डेटा सेट। वो कहता है कि इसमें क्या होगा कि दोनों क्योंकि मॉडल आपके मर्ज हो रहे हैं और दोनों मॉडल की मदद से आप जो अपने डेटाबेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। डेटा मॉडल इज अ सिंपल नेटवर्क एंड लिंक एंड इंटरसेक्शन रिकॉर्ड टाइप कॉल्ड जंक्शन रिकॉर्ड बाय आई डी एम एस मैनी एग्जिस्ट एज वेल एज सेट बिटवीन
वो कहता है कि डेटा मॉडल क्या है, एक सिंपल नेटवर्क मॉडल है जो कि आपके नेटवर्क को, यानी कि आपने एक डेटा बेस बनाई जो कि नेटवर्क बेस्ड डेटा बेस है, अब उस डेटा बेस के ऊपर जिस पर्सन को आपने जो डेटा एक्सेस करना है वो वही डेटा जो है वो एक्सेस करता है। इस लिहाज से सिक्योरिटी लेवल पे भी इसका बहुत ज्यादा, और ये भी वन टू वन और वन टू मैनी दोनों रिलेशनशिप के अंदर जो है वो काम करता है। जैसे कि आप नीचे डाटा डायाग्राम जो है चेक कर रहे हैं, और उस डायाग्राम के अंदर आपको देखें कि एक मेन पेरेंट डाटा बेस है और उसके अंदर दो अलहदा डाटा बेस है और मल्टीपल वो जो आपस में अटैच है। दस द कम्प्लीट नेटवर्क ऑफ अ रिलेशनशिप is represented by several pairwise set. In each set, some one record type is owner at the tail of the network arrow, and one more record type are member at the head of the relationship arrow. Usually, a set of define one-to-many relationship, although one-to-one permit. वो कहता है कि इसमें depend कर होता है कि आपका data जो है वो चाहे one-to-one है, चाहे one-to-many है, दोनों condition में जो है वो आपका data जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर वर्किंग जो है वो कर होता है। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो